पे बैठे हुए हैं, सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य? भैया हम लोग बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर संगठन के सदस्य हैं। मैं राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के लेसा से इस गोमती का सचिव हूँ अजय यादव। 16 तारीख को चौक विद्युतरण खंड में नादान महल अय्यागंज क्षेत्र में एक 1 MVA ट्रांसफार्मर जल गया था। क्योंकि 1 MVA ट्रांसफार्मर वितरण का एक बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, जिससे बहुत बड़ी आबादी को विद्युत आपूर्ति दी जाती है। चूँकि ट्रांसफार्मर जल गया था और ट्रांसफार्मर जलने के बाद बदलने में करीबन 6 से 7 घंटा लग ही जाता है अमूमन, तो इतना समय लगा। उसके बाद इस घटने की जांच करने के लिए हमारे प्रबंध निदेशक महोदय खुद मौके पर गए और उन्होंने गलत तरीके से जेई को जिम्मेदार बताते हुए निलंबन का एक आदेश कर दिया, जिसे कल हमारा एक साथी निलंबित कर दिया गया है। और यही नहीं, उस निलंबन आदेश में उन्होंने ये लिख दिया कि जो भी इसका रिपेयर का कास्ट होगा वो जेई के वेतन से काट लिया जाए या रिकवरी की जाए, जो कि बहुत ही गलत है। और हम लोग इसका घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर अपने इस निलंबन के खिलाफ विरोध करते हुए एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि अगर हमारे साथी का निलंबन वापस नहीं हुआ किया गया या फिर उसको उसी स्थान पर पुनः स्थापित नहीं किया गया, तो हम लोग अभी तो केवल लेसा शीर्ष गोमती के यहाँ पर जूनियर इंजीनियर और प्रोन्नत अभियंता हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो कल हमारे ट्रांस के भी साथी आएंगे और हम इसके बजाय मुख्य अभियंता के तरफ भी शिफ्ट करेंगे या फिर प्रबंध निदेशक ऑफिस को भी हम लोग घेरने का काम करेंगे। इस अधिकारी ने आपको निलंबित किया है? प्रबंध निदेशक महोदय के आदेश पर अधीक्षण अभियंता महोदय ने ही निलंबित किया है, इसलिए चूँकि PN प्रसाद हैं अधीक्षण अभियंता महोदय जो यहीं बैठते हैं, तो उनको पता चल गया होगा कि आज हमारा घेराव करेंगे ये लोग, तो आज वो आए भी नहीं है मौके पर। लेकिन ये आप धरना प्रदर्शन कब तक कराएंगे? जब तक हम ले जाएंगे, जब तक मेरा साथी रीस्टेट नहीं होगा तब तक हम ये धरना प्रदर्शन चलाएंगे। क्योंकि किसी भी तरीके का कोई भी कमी नहीं थी, कमी के प्रबंधन की है इसमें। आज हम लोग अपनी टीम जाँच टीम गठित किए थे और उस मौके का मुआयना हम लोग भी किए हैं, जिसमें बहुत ही लूप होल प्रबंधन की निकल करके आई है। जैसे कि ट्रांसफार्मर बदलने की एजेंसियां दी जाती है, कोई टेंडर इस मंडल में नहीं था कि ट्रांसफार्मर बदलने का के लिए उसको बदला जा सके। इस वजह से 5 घंटे ट्रांसफार्मर लेट में वहां पहुंचा है और बदला गया है। अनुरक्षण का पूरा गर्मी बीत गया, अनुरक्षण की सामग्री आज तक प्रोवाइड नहीं कराई गई है प्रबंधन द्वारा।